हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ड्रीम इलेवन प्लेइंग इलेवन में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे जल्दी दबा दें। तो गाइस, बात कर लेते हैं कॉलिन मुनरो की। तो यहाँ पर बहुत अफवाह फैल रही है या फिर लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में, तो आपको ये बात मैं क्लियर कर दूँ कि ICC ने जो स्क्वाड रिलीज़ किए हैं, स्क्वाड तो रिलीज़ हो गए हैं न्यूजीलैंड की तरफ से और विंडीज़ की तरफ से। ये स्क्वाड न्यूज़ जाती है ICC के पास, जो कि हैंडल करती है इंटरनेशनली क्रिकेट को। तो ये आपको बता दूं कि जो ICC ने अपडेट दिया है उसमें कॉलिन मुनरो स्क्वाड में है, और जो क्रिकबस दे रही है उसमें नहीं है। ESPN दे रही है तो कॉलिन मुनरो उसमें है। तो सिर्फ क्रिकबस के ऐसा बोलने से कि कॉलिन मुनरो स्क्वाड में नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कॉलिन मुनरो को ड्रॉप कर दें। हाँ, ये अलग बात है कि उनको प्लेइंग 11 में खिलाया जाता है या नहीं खिलाया जाता है, बट वो स्क्वाड में शामिल है। आप देख सकते हैं, ये ICC का मैंने पेज खोला हुआ है और यहीं से मैं आपको दिखा दूं कि कॉलिन मुनरो स्क्वाड में है। स्क्वाड में टिम साउदी भी हैं, रॉस टेलर भी हैं, मार्टिन गुप्टिल, ग्लैन फ्लिप्स, अनारू किचन भी है, टॉम ब्रूस भी हैं। अनारू किचन और टॉम ब्रूस में से कोई एक खेलेगा। तो स्क्वाड तो पहले रिलीज़ हो चुका है और कॉलिन मुनरो को उन्होंने स्क्वाड में नहीं रखा है क्रिकबस वालों ने। तो मैं आपको बता दूं, क्रिकबस कभी भी सही डिटेल नहीं देता है। आप क्रिकबस को बिल्कुल बिलीव ना करें। क्रिकबस पर जो डिटेल्स होती हैं, स्क्वाड्स होते हैं, पूरे गलत होते हैं। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें उनके स्क्वाड्स का और बाद में आप मिला लें। कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जो स्क्वाड में नहीं भी होंगे। अगर 16-17 मेंबर का स्क्वाड क्रिकबस पे दिया हुआ है और आप ऑफिशियल साइट पे जाते हैं किसी टीम की, तो वहाँ पर 12-13 मेंबर्स का स्क्वाड दिखाते हैं, तो एक्स्ट्रा 3-4 प्लेयर क्रिकबस दिखा देता है अपनी तरफ से। बट ये गलत है, क्योंकि जो प्लेयर खेल भी नहीं रहा है उसको आप स्क्वाड में दिखा रहे हो, जो प्लेयर स्क्वाड में हो उसको आप स्क्वाड में नहीं दिखा रहे, तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है। और क्रिकबस के पास इतनी नॉलेज है बट वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को। उनके बहुत सारे इंस्ट्रक्टर वगैरह होते हैं और डेटा मैनेज करने वाले लोग होते हैं, बट वो सही से मैनेज नहीं कर पा रहे मेरे हिसाब से। बिकॉज अगर कॉलिन मुनरो स्क्वाड में हैं तो उनको देना चाहिए था, और ये एक अफवाह फैल रही है। अभी तक सारे ही यूट्यूब चैनल्स पर यही लोग बोल रहे हैं कॉलिन मुनरो स्क्वाड में नहीं है, स्क्वाड में नहीं है। भाई, आप क्रिकबस का विश्वास मत करो। तो यही बोलना था मुझे, इसलिए मैंने ICC का पेज खोल के आपको दिखा दिया कि कॉलिन मुनरो स्क्वाड में है। अब खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं वो कल देखेंगे, या फिर जैसी न्यूज़ मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ भी नहीं आई है कि कॉलिन मुनरो नहीं खेलेंगे या इंजर्ड हैं या फिर क्या है, तो ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। अगर आप ESPN खोलेंगे तो उस पर कॉलिन मुनरो आपको दिखेंगे प्लेइंग 11 में, प्रोबेबल प्लेइंग 11 में, और अगर आप क्रिकबस खोलेंगे तो वहाँ पर कॉलिन मुनरो है ही नहीं। तो क्रिकबस का तो आप बिलीव करिए ही मत, बिकॉज अगर वो स्क्वाड में ही नहीं दे सकते किसी प्लेयर को जबकि वो स्क्वाड में है, तो ऐसी साइट का बिलीव क्यों करेंगे। और आप देख लीजिएगा, अगर आप ESPN पर स्कोर अपडेट्स देखेंगे तो वहाँ जल्दी होते हैं बजाय क्रिकबस के। क्रिकबस पे बहुत लेट अपडेट होता है स्कोर्स, तो क्रिकबस एक रिलायबल साइट नहीं है। तो आप इस चक्कर में ना रहें कि आप क्रिकबस के भरोसे टीम बनाएं, तो आप इस चीज़ का खास ध्यान रखें। बस ये बनाने के लिए वीडियो मैंने बनाया था। अगर पसंद आता है वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कर दें यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको न्यूज़ देता रहता हूँ, क्रिकबस से ज़्यादा न्यूज़ आपको दे दूँगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, अपने फ्रेंड्स का शेयर करें इसको, ताकि उनको पता चल जाए कि कॉलिन मुनरो स्क्वाड में है। ओके गाइस, बाय।